राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। घर में सभी लोग अच्छे हैं। तो दोस्तों, मेरे गोपाल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो छोटे वाला मंदिर था वहाँ से मैंने अपने युगल सरकार को, यानी कि जो छोटे राधा कृष्ण जी हैं उनको, वहाँ से यहाँ पर बड़े जो रूम में मंदिर है हमारा, और जो मैंने इनके लिए सिंहासन बनवाया है लड्डू गोपाल जी का, तो उन पर विराजमान कर दिया है। तो आप लोगों को उनके मैं आज दर्शन करा देती हूँ। पहले आपने उनके दर्शन नहीं किए थे और अपने तो देखिए दोस्तों, पहले जो हमारा दुकान वाला रूम है वहाँ पर विराजमान थे मंदिर में, वहाँ से मैंने हटाकर यहाँ पर विराजमान करती हैं पूजा वाले रूम में। और ये देखिए मेरे छोटे लड्डू बाबू कितने क्यूट से लग रहे हैं, और मेरे लड्डू गोपाल जी और मेरी राधा रानी। मैंने इनकी जैकेट बनाई है, जैकेट है बहुत ही सुंदर जैकेट लग रही है इनकी। और आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इनकी जैकेट कैसी लगी। और इनको भोग लगाया है। तो दोस्तों, जो भी छोटी सी एक्टिविटी होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ, क्योंकि गांव में ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास बैठ करके अपने मन की बातें शेयर कर सके। तो सबसे अच्छे दोस्त मेरे आप हो, तो मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ। और अब जाऊँगी मैं स्कूल में, पूजा आरती सब कुछ हो चुका है, भोग। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे छोटे वाले युगल सरकार है, राधा कृष्णा है, यानी कि राधे गोविंद है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ये आपको कैसे लगे। आपने दीपावली पर भी इनके दर्शन नहीं किए थे, तो सो प्लीज़ आज आप इनके दर्शन कर लीजिए और इनके दर्शन कीजिए। ये भी बहुत क्यूट क्यूट और प्यारे प्यारे लग रहे हैं, ये बिल्कुल नोटी नोटी बॉय है मेरे। जो ये छोटे वाले गोपाल जी हैं ना, ये बहुत ही नटखट और शरारती हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और ये गोपाल जी हैं, ये मेरी राधा रानी है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी और कैसे मेरे गोपाल जी, लड्डू बाबू, राधा रानी और युगल सरकार लगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली में मिलकर के शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने अपने छोटे वाले युगल सरकार को दुकान के रूम में से लाकर के यहाँ पर पूजा वाले रूम में ही शिफ्ट कर दिया। पहले वहाँ पर छोटा मंदिर था, वहाँ पर मैं पूजा कर लिया करती थी, लेकिन मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं इन्हें यहीं पर पूजा वाले रूम में ही लेकर आ गई हूँ, यहीं पर शिफ्ट कर दिया है। और जो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सिंहासन बनवाया है उसी पर इनको विराजमान कर दिया है। तो दोस्तों, आप लोग बता सकते हो कि मेरे राधे गोविंद आपको कैसे लगे और कैसी इनकी जोड़ी लगी, मेरी राधा रानी की और गोविंद जी की, और कैसे मेरे छोटे छोटे लड्डू बाबू और गोपाल जी, राधा रानी लगी। तो देखिए दोस्तों, पूजा का जो रूम है, पूजा का जो स्थान है बहुत छोटा है, तो मंदिर की तो बहुत सोचते हैं लेकिन नहीं बन पाता। कोई बात नहीं, कभी तो बनेगा ही, लेकिन जब भी बनेगा खूब बड़ा बनवाऊंगी। और मेरा मन होता है कि आपके साथ छोटी से छोटी बातें शेयर की जाए, क्योंकि गांव में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास बैठ करके अपने भगवान जी के बारे विषय पर बात की जाए। तो सबसे अच्छे दोस्त मेरे आप हो, और मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी से छोटी बातें शेयर करती रहती हूँ जो भी होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की
नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से जो है एक अजीब ही उत्साह सा मन में पैदा हो जाता है। तो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट भी क्या कीजिए, राधे राधे लिखकर, या जो भी बात आपको अच्छी या बुरी लगे वो बातें लिखकर। तो दोस्तों अब मैं स्कूल में जाऊंगी, स्कूल के बाद बरनावा जाऊंगी, बरनावा से फिर मैं वापस आऊंगी। जिस टाइम भी आऊंगी थोड़ी सी वीडियो आकर के शूट करूंगी, देखते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।